हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ पे फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर अगर आप जाओगे तो आज के दिन एक ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे आ चुका है, आरजे की कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसके चलते रिटेल इन्वेस्टर बर्बाद हो रहे हैं। वो बातों को प्रॉपरली अगर आप इंटरप्रेट करोगे तो अच्छा खासा फायदा आपको हो सकता है। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आने वाला नेक्स्ट हफ्ता। ये जो 5 दिन यहाँ पे चलेंगे बाजार में कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे देखने को और सुनने को यहाँ पे मिलने वाली है आज के हिसाब से। ऑब्वियसली चीज़ें टाइम टू टाइम यहाँ पे बदलती रहती है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे हॉलीडेज़ के हिसाब से, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अभी सितंबर की अगर हम लोग बात करें 10th September फ्राइडे के दिन ही गणेश चतुर्थी हम लोगों को देखने को मिला। 3 दिन लगातार बाजार क्लोज था, उसके बाद सितंबर में कोई भी छुट्टी नहीं है। डायरेक्टली 15th October फ्राइडे के दिन ही दशहरा की छुट्टी यहाँ पे रहने वाली है, लगातार 3 दिन, तभी भी बाजार यहाँ पे हम लोग को बंद देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सितंबर पूरा अभी हम लोग कह सकते हैं 5-5 दिन बाज़ार जैसे चलेगा हफ्ते भर वैसे ही यहाँ पे चलने वाला है विदाउट एनी इंटरप्शन। चलिए दोस्तों अभी यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं दलाल स्ट्रीट की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। नंबर वन न्यूज़ ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं COVID-19 के बारे में है यहाँ पे, पर ये न्यूज़ दोस्तों पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन द सेंस ऑफ व्हाट, देखिए बाजार में ऑलरेडी आपको पता है बुल रन चल रहा है, मार्केट बहुत ही टॉप लेवल पे है। ऐसे टॉप लेवल पे हमेशा क्या चाहिए बाजार को, कोई एक्सक्यूज़ चाहिए, रीज़न चाहिए थोड़ा सा गिरने के लिए। करेक्शंस यहाँ पे आ सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कोई क्रैश की अगर हम लोग बात करें बहुत बड़े, तो उससे कोई हम लोगों ने डरना है नहीं। हम लोगों ने देख लिया इतना बड़ा क्रैश के बाद भी बाजार कैसे खड़ा रहता है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं, हर ट्रेडर के लिए ये चीज़ें बहुत ही कीमती रहती है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं COVID-19 का जो इन्फेक्शन है वो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कंपेरेटिवली कंट्रोल्ड है। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो विदेश की जो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उनमें जैसे हम लोगों को फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव देखने को मिला, तो इंडिया का जो सेकंड वेव के बाद का जो पोजीशन है वो कंपैरेटिवली COVID-19 की स्थिति में बहुत ही बेटर पोजीशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी के वास्ते अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव एंड शानदार न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम लोग एक्सपर्ट की यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली बाजार यहाँ पे COVID-19 के जो इन्फेक्शन के जो फिगर है, डेटा है, उसको यहाँ पे क्लोजली क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, वॉच यहाँ पे कर रहा है। कुछ अगर मेजर साइंस यहाँ पे मिल जाते तो छोटा मोटा हम लोग को गिरावट भी देखने को मिलेगी, जो कि इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी भी ज़रूर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 24 घंटे की बात करें तो फ्रेश लगभग 33,000-34,000 केसेस आए, जो कि हम लोग कह सकते हैं ना के बराबर। इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला देश जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एंड वहीं पे अगर आप लोग यूरोपियन कंट्रीज़ देखेंगे वहाँ पे 30,000-40,000 केसेस पर डे देखने को मिल रहे हैं। अभी भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो थर्ड वेव है मैसिव वे से यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है, बट अब सभी लोगों को पता है यहाँ पे जैसे जैसे चीज़ें अनलॉक हो जाएगी दिक्कतें यहाँ पे थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। तो बाजार को एक छोटा रीज़न मिल जाएगा, उससे हम लोगों को इन्वेस्टर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दोस्तों यहाँ पे बात होने वाली है वापस IPO के बारे में। आप सभी लोगों को पता है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाया था, सनसेरा इंजीनियरिंग जो कि बेंगलुरु बेस्ड ऑटो कंपोनेंट मेकर है, एंड इनका IPO हम लोगों को लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है 14th September। जब वीडियो यहाँ पे मैंने बनाया था तभी मैंने आप लोगों को बताया था उसके पहले 16% का GMP था, देन नेक्स्ट दिन जब मैंने वीडियो बनाया था तभी वो फिसल कर 10% तक आया था। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अप्लाई करने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना, कीमती होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। देखा जाए तो देखिए सिर्फ GMP से कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, बट एटलीस्ट अगर आप लोग लिस्टिंग गेन का अपेक्षा कर रहे हो तो ग्रे मार्केट प्रीमियम तो अच्छा होना ही चाहिए। इतना तो हम लोगों ने इतने सारे IPO देख लिए उसमें से तो वही कंक्लूजन फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़रूर आप लोगों ने एक बार यहाँ पे चेक करना चाहिए। तीसरी भी बात करें तो IPO से रिलेटेड ही है, लिस्टिंग से रिलेटेड। आप सभी लोगों को बताया यहाँ पे 2 IPO बाजार में यहाँ पे आ चुके थे, विजय डायग्नोस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें एंड उसी के साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल कंपनी एमी ऑर्गेनिक की बात करें। ये 2 मार्केट में यहाँ पे हम लोग को ट्यूसडे के दिन यहाँ पे डेब्यू मारते हुए देखने को मिलने वाले, मतलब और 2 कंपनीज़ बाजार में यहाँ पे ऐड होने वाली है। अगर हम लोग फिलहाल की स्थिति की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें करंट सिचुएशन के हिसाब से, दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एमी ऑर्गेनिक के जो जिन्होंने भी अप्लाई किया था वो थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब राहत की सांस ले सकते हैं, बट विजय डायग्नोस्टिक की अगर हम लोग बात करें अच्छा डेटा सामने नहीं आ रहा है। कौन सा वाला मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, बट आप देख सकते हैं एमी ऑर्गेनिक लगभग 64 times हम लोगों को सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था, वहीं पर विजय डायग्नोस्टिक ना के बराबर सिर्फ 4.5
टाइम्स हम लोग को सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला, तो आप देख सकते हो कि इतना ज़बरदस्त डिफरेंस क्यों है। उसके पीछे का कारण वही है दोस्तों, आप देख सकते हो विजया डायग्नोस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे नहीं है, नो ट्रेडिंग आप देख सकते हो प्रीमियम फॉर द विजया डायग्नोस्टिक, मतलब शायद से मैं ऐसा बोल नहीं सकता, बट शायद से इशू प्राइस के नीचे भी इसकी ओपनिंग हो सकती है। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि हम लोग कह सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल का दिन भी बाकी है, आज का दिन भी बाकी है, कुछ अगर चीज़ें चेंज हो जाती है तो थोड़ा बहुत प्रीमियम की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। एमई ऑर्गेनिक की बात करें तो यहाँ पे इशू प्राइस 610 था एंड यहाँ पे फिलहाल लिस्टिंग 760 पे, मतलब जो प्रीमियम है दोस्तों 150 रुपया पर शेयर यहाँ पे मिलने के चांसेस है अभी के करंट सिचुएशन के हिसाब से। ये सिचुएशन एडलेस भी हो सकती है, 150 का 200 भी हो सकता है, 150 का 100 भी हो सकता है, पर फिलहाल के इसमें एमई ऑर्गेनिक बेटर पोजीशन में है। विजय डायग्नोस्टिक तो यहाँ पे मतलब इशू प्राइस पे भी अगर लिस्ट हो गया तो भी बहुत बड़ी बात है, इतना हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम लोग CPI इन्फ्लेशन डेटा भी यहाँ पे बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही की रोल प्ले करता है किसके लिए, आप देख सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द की पॉइंट इन द लिस्ट ऑफ RBI बिफोर टेकिंग द इंटरेस्ट रेट डिसीजन। देखिए इंटरेस्ट रेट डिसीजन यहाँ पे तो लिखा है, बट फेडरल रिजर्व के भी डिसीजन के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें निर्भर करती है, बट एनीवेज हम लोग थियोरेटिकली इस चीज़ों को भी यहाँ पे बोल सकते हैं। सो जो फिलहाल ये जो CPI इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, जो डेटा है वो सारा डेटा हम लोग को रिलीज़ होते हुए देखने को मिला है, कब, मंडे को, कल के दिन ही ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे बाजार का रहने वाला है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा CPI के बाद, यहाँ पे होलसेल प्राइस की भी अगर हम लोग बात करें, इंडेक्स की बात करें, WPI इन्फ्लेशन जो अगस्त मंथ का है, ऑब्वियसली सितंबर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो रिलीज़ होने वाला है ट्यूसडे के दिन। अगर हम लोग BOT की बात करें, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, उसका डेटा अगस्त मंथ का ही, वो अनाउंस होने वाला है वेनसडे के दिन। एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो वीकली हम लोग को डेटा देखने को मिल रहे वाला है एंड सितंबर एंड का, वो रिलीज़ होने वाला है फ्राइडे के दिन एज यूजुअल। सो ये तीन डेटा है CPI के साथ, यहाँ पे WPI ट्यूसडे, देन फॉरेक्स की बात करें तो फ्राइडे, एंड BOT की बात करें तो यहाँ पे वेनसडे। इन डेटा के ऊपर भी बाजार यहाँ पे फोकस रखने वाले, ये डेटा बार बार आते रहते, इसमें अगर बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो जाते तब बाजार इसको मतलब मेजरली कंसिडर करते हैं, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो बाजार का फोकस यहाँ पे बैंक निफ्टी के और भी यहाँ पे रहने वाला है। देखिए बैंक अगर हम लोग बाजार की यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो एक्चुअली जो बाजार के ड्राइवर्स रहते हैं, मतलब निफ्टी, देखिए निफ्टी का कोई खुद का वजूद नहीं है, इंडेक्स है वो, इधर उधर से एवरेज वेटेज पकड़कर ही जो परफॉर्मेंस देते हैं उसके हिसाब से वो भागता है। सो फिलहाल जो निफ्टी यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स भागते हुए देखने को मिल रहा है, उसमें मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स ही बाहर है, जैसे कि रिलायंस बाहर है, नहीं भाग रहा है अभी तक, जिस हिसाब से भागना चाहिए था उस हिसाब से तो नहीं भाग रहा है। खास करके बात करें तो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, भाग तो ज़रूर है बट जिस हिसाब से अगर हम लोग बात करें, फाइनेंस के ऊपर प्रेशर है तो बैंक निफ्टी के ऊपर भी फोकस है दोस्तों, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने अगर यहाँ पे बाज़ार में इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ पे अगर वो ज़बरदस्त तेज़ होने वाले हैं, सो बाज़ार मतलब 1000 पॉइंट से भी मतलब ईजिली क्या कर सकता है, मूव ऑन यहाँ पे आगे कर सकता है इजीली, वो यहाँ पे 17 से 18 भी हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे बाजार यहाँ पे लगाकर बैठा हुआ है। बैंक निफ्टी क्यों प्रेशर में, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका है, NPS की स्थिति डाउटफुल है, प्रोविजनिंग बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पे थर्ड वेव अगर आ गई तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको बैंक ने यहाँ पे पैसा देके रखा हुआ है, वो क्या हो सकता है, वापस फंस सकता है, मतलब अल्टीमेटली वापस NPS बढ़ने के चांसेस, प्रोविजनिंग बढ़ने के चांसेस, जो कि फाइनेंस सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, लेंडर्स के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं रहेगी। तो इसीलिए बैंक निफ्टी अभी भी चल तो रहा है बट कैसे, धीमे धीमे चल रहा है, जो रफ्तार के साथ अगर बैंक निफ्टी भागेगा, अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली बाजार मतलब जो बोला जा रहा है कि दिसंबर तक 20 को भी क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा, वो भी दिन ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, उसके पहले ही शायद से वो 20 को भी कट यहाँ पे कर सकता है, बट डिपेंड कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा रहने वाला है, तो बैंक निफ्टी की ओर भी सभी लोगों की निगाहें रहने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों फॉर्मेलिटीज़ की बात करेंगे, FIs DIs एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर नेट बाइंग अभी तक फिलहाल देखने को मिल रहे 650 के आसपास,
राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो मार्केट के फिलहाल जो ड्राइवर्स हैं, हम लोग कह सकते हैं DIs ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी नेट बाइंग ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिस तरीके का डेटा हमारे सामने अवेलेबल है उसके हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इंडियन मार्केट को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आप डॉलर का रिलेशन देख सकते हो, डॉलर इंडेक्स भी देख सकते हो, डॉलर टू INR भी देख सकते हो। अभी भी डॉलर उसी रेंज में फंसा हुआ है जो कि इंडियन मार्केट को एक, मतलब हम कह सकते हैं, देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली रुपी वीक है डॉलर के अगेंस्ट, एक डॉलर खरीदने के लिए 70 से ज़्यादा देना पड़ता है। बट फिलहाल की जो स्थिति अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं अगर आपको ये देखिए मैक्सिमम चार्ट ऊपर ही है डॉलर का, नो डाउट, बट एक साल का चार्ट पैटर्न डॉलर में कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, उसी रेंज में है 74, बीच में थोड़ा जंप करता है वापस प्रॉफिट बुकिंग, वही चीज़ें यहाँ पे चल रही है जो कि इंडियन मार्केट को एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है। गोल्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सेम गोल्ड 48 के आसपास है। ये गोल्ड में बहुत बार आपको बोल चुका हूं दोस्तों, गोल्ड और अच्छे क्वालिटी के इक्विटी स्टॉक ये हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही भागते हैं। हाँ, टाइम देना पड़ेगा, इतना मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्रूड ऑयल फिलहाल WTI की बात करें जो अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, 70 के नीचे है डॉलर्स के हिसाब से। टाइमिंग आप देख सकते हो, चेंज हो सकती है स्थिति कभी भी। एंड ब्रेंट की बात करें तो फिलहाल 73 के करीब। सो क्रूड ऑयल भी बिल्कुल उसी रेंज में है, 70 के आसपास हम लोग ऐसा कह सकते हैं। लास्ट पॉइंट की बात करें ऑप्शन चेन की, ट्रेडर लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी यहाँ पे जो क्लोजेस्ट सपोर्ट लेवल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जहाँ पे हम लोग को OI बिल्ट होते हुए देखने को मिलते 17,300 एक बहुत ही क्लोज सपोर्ट है। एंड रेसिस्टेंस की भी बात करें तो 17,400, मतलब बहुत ही शॉर्ट रेंज की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे स्ट्रांग हम लोग को OI फिलहाल यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए ये चीज़ें आराम से चेंज हो जाती है, कोई बहुत ही ख़राब न्यूज़ आ गई तो आराम से ये जो सपोर्ट लेवल है दनादन टूट जाएंगे, बहुत ही अच्छी न्यूज़ आएगी तो आराम से रेसिस्टेंस भी दनादन टूट जाएंगे। बट फिलहाल के हिसाब से ये जो 100 पॉइंट्स का ही यहाँ पे हम लोग को गैप देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशल परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी आपके सामने रखी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।